गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। 154 पूर्व जजों अफसरों की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी, सीए पर हिंसा करने वालों पर हो कार्रवाई। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूरे देश में चल रहा है विरोध प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में झंडारोहण करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। गोरखपुर में चल रही 5 दिवसीय बैठक में भी लेंगे हिस्सा। संघ प्रमुख कार्यकर्ताओं को देंगे मार्गदर्शन। सीएए और एनआरसी के विरोध में दल खालसा ने आज बुलाया पंजाब बंद। दल खालसा के प्रधान हरपाल सिंह चीमा ने किया ऐलान, खालिस्तान समर्थक सोच के लिए जाना जाता है दल खालसा। ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो 4 दिवसीय भारत दौरे पर। गणतंत्र दिवस परेड में होंगे मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे बोलसोनारो। उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति बोलसोनारो। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख होंगे एसके सैनी। आज संभालेंगे पदभार, कश्मीर में रहे हैं तैनात। जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े के सेना प्रमुख बनने के बाद से खाली है पद। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का दावा, अस्थाई है भारत में विकास की धीमी गति, जल्द सुधार की उम्मीद। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में बोले क्रिस्टालिना। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले बाबा रामदेव, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को मिले सजा। उन्होंने कहा कि देश की आबादी 125 करोड़ से अधिक हो गई है और यह नियंत्रित नहीं हो रही। चीन से लौटे 2 संदिग्ध मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब तक 1,789 यात्रियों को कोरोना वायरस संक्रमण की हो चुकी है जांच। अधिकारियों का कहना, संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया। सार्क सम्मेलन में टकरा सकते हैं पीएम मोदी और इमरान खान। नेपाल ने दोनों देशों को भेजा न्योता। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने दी जानकारी। 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मतदाता दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। केंद्रीय कानून एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इस समारोह में लेंगे हिस्सा। भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है आज का दिन। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की तूफानी 50। भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। टीम इंडिया 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।